हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे या चंगा होंगे, अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो सुबह हो गया है और हम लोग का सुबह कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं हुआ है। मतलब आप लोग टाइम देखो कितना बज रहा है, अभी बज रहा है घड़ी में 10 10 बजने जा रहा है ना, एग्जैक्टली अगर बोला जाए तो। और यहाँ मम्मी सुबह सुबह उठी हुई है, बाल झाड़ रही है। अरे चादर क्यों हटा दी? अरे चींटी था, पता नहीं कुछ गिर गया है। तो तुम कुछ खाई होगे बेड पे, इसी वजह से। तो हम्म, यार चादर उधर हटा दी, उसको करना है। और ये रही मैं। तो यहाँ पे ना गरम पानी चढ़ाया है जवाइन डाल के, ये देखिए। तो ये पानी कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया। ये है, इसको पीने से पेट नहीं निकलेगा, पेट दर्द नहीं करेगा और बीमारी नहीं होगा। ये लो, वाओ, सब साफ कर दी। ज़्यादा गर्म है। ज़्यादा गर्म हो गया, थोड़ा थोड़ा फूक फूक के पियो। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम चलते हैं, दाल भात चावल जो भी है और सब्जी वगैरह जल्दी जल्दी बना लेते हैं। तो आइए आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए। तो देखिए यहाँ खाना बन रहा है सुबह सुबह, और आज हम लोग ना उठ गए थे सुबह 4:45, लेकिन फिर सो गए थे वापस। फिर सो गए, मॉर्निंग वॉक करने जाना था लेकिन फिर सो गए। तो इतना दाल चढ़ा दे रहे, ठीक है? हाँ ठीक है, बहुत है। तो ये बन रहा है हमारा दाल। तो पहले इसको धो ले रहे बढ़िया से, उसके बाद कुकर में डाल देंगे इसको। कौन सा दाल लेंगे? तीनों ली, तीनों दाल इसमें मिक्स है। ठीक है, इतना दाल काफी है। थोड़ा सा हल्दी, ये गया हल्दी, और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा गोलकी, इसको एक चुटकी देंगे, दो तीन दे दे बस। इसमें देंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता और टमाटर, तो हम टमाटर को काट लेते हैं जल्दी जल्दी। ये टमाटर तो इसमें गल जाएगा, और थोड़ा सा धनिया पत्ता देखते हैं। इतना इतना काफी मम्मी? नहीं, केवल डंटी हटा, सब डाल दो सारा। हाँ, धनिया पत्ता में ना बालू रहता है बहुत। आप लोग कैसे बनाते होंगे दाल, आप लोग भी बताइएगा रेसिपी। कितना खुशबू लग रहा है मम्मी इसका। पुदीना भी है, चटनी बना लें। ठीक, खुशबू। तो ये सारा पत्ता हम इसमें डाल दे रहे हैं। एक तेज पत्ता डाल देना, थोड़ा सा, हाँ, दो थोड़ा बूंद, सा तेल, हाँ दो बूंद। हाँ, छोटा है तो थोड़ा डाल दो, बड़ा तेज पत्ता का हाँ, नहीं बस, है। बस वही वाला डालो, ठीक तो है, ये ठीक है ना? हाँ, टूटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, डाल दो। तो यहाँ देखिए हमारा दाल, इसमें तेज अब ये बनेगा टेस्टी। अब इसमें तुम आलू डाल दो, काम खत्म हो जाएगा, डाल दे छिल करके, हाँ डाल है ना? देते हैं एक तो ही फिर बार छीलेंगे हम, क्यों? छील देते हैं ना, तुरंत छील देते हैं, दाल में गंदा नहीं होगा। नहीं तो फिर ऐसे ही बना देते हैं सब्जी। नहीं, सब्जी नहीं।
दाल भात चोखा चटनी। तो अभी मम्मी चाहिए आलू लाने के लिए, और इसमें हम लोग मतलब आलू डालेंगे दाल भात चोखा और दही के साथ, मस्त आज पेट पूजा किया जाए। तो यहाँ देखिए मम्मी आलू काट ले रही है, और आलू इतना हो जाएगा ना दो टाइम का। तो भूख भी बहुत ज़ोर से लग गया है, और टाइम भी तो हो गया ना इसी वजह से। तो आज आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोलना भूल गए, तो गुड मॉर्निंग दोस्तों आप सभी को, क्योंकि आज थोड़ा लेट से उठे ना इसीलिए। तो जल्दी से बना लेते हैं खाना। तो यहाँ जल्दी छील ले रही है, हवा चल रहा है बाहर ना, कड़ा। कल पानी पड़ा था क्या? गर्म हवा है। नहीं पानी भी नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे शादी वादी था पूरा, पटाखा वटाखा फूट रहा था, बहुत अच्छा लगा। हम लोग सब रात को 12 बजे निकल के देख रहे थे। तो ये गया इसमें आलू, ठीक है ना? हाँ बस अब इसको बंद करके चढ़ा देते हैं। गेट बंद करेगी तो ये जो गेट है ना यहाँ से बहुत हवा आता है, तो इसको बंद कर देते हैं। तो अभी ना थोड़ा सा मोटर चालू कर दिए हैं ताकि लाइट जब चला जाए ना तो हम लोग को थोड़ा दिक्कत ना हो, और धूप बहुत ज़्यादा निकल गया, पानी पटाना है। तो इतना धूप में तो पानी पटा रही मम्मी, देखिए दोस्तों मम्मी ना धूप में किस तरह से पानी पटा रही, आप लोग देखो एक बार। ये देखिए टोपी पहन के छतरी लेके ऐसे कौन पानी पटाता है भाई। ये देखिए ना एकदम मरने लगता है पूरा। हाँ वो तो है, आज बहुत देर हो गया ना इसी वजह से, मतलब धूप वगैरह निकल गया, तो हम सोच ही रहे थे कि पानी देने का इसमें अच्छा है। और मम्मी अपना सेफ्टी का भी ध्यान रखते हुए छाता वाता लेके टोपी पहन के। कैसा लग रहा है आपको, अपना एक्सपीरियंस बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है अपने घर में काम करना। मम्मी देखो ना यहाँ पीला पीला फूल निकला है, वो है क्या बोलते हैं करेली है। करेली या मेरे को अच्छा नहीं लगता करेली, थोड़ा सा अच्छा तो ये लोग भिंगाएंगे पत्ता को पूरा ऊपर। अच्छा जल्दी करो, इतना देर क्या छतरी पकड़ दे। तो बहुत धूप लगने लगा, बोले थोड़ा सा तुम डाल दो। आज शायद सोमवार है, मंगल है? नहीं मंगल। रख दो छोड़ दो, केवल रास्ता से हटाओ ना ये वाला पाइप। चलो इसको बंद कर। लो ना सुबह से पानी भी नहीं पी है, लो पियो तो, लो पानी पी। बहुत गर्म, दो 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 दो। नहीं नहीं प्लेट में दे। आलू सीज गया ना? हाँ पूरा, तो क्यों नहीं सीज गया? कितना छह आलू है, बड़ा 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 आलू है ना चिप्स बनाने लायक। हाँ अभी आदमी भी सूख जाएगा इतना गर्मी है। कितना टेस्टी है ना। हाँ। इसको छौंक देते हैं जल्दी जल्दी। हाँ सब कुछ तो डाल ही ना दिए हैं, हल्का सा मिर्चा जीरा डाल दो बस। तो इधर चावल, अब बस इसको चावल चढ़ा ले रहे हैं।
अपना आग निकलने लगता है इसमें, इसीलिए हमको डर लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको बंद कर दो। हो गया। चोखा भी छोकना है ना। अच्छा, छोटा वाला हम छोकते हैं ना तो यही रहता है। तो डब्बू नहीं है वो, डब्बू जो रहता है वहाँ गंदा था इसीलिए। तो यहाँ दे धो रही है चावल। गांव में लोग बोलता था ना कि तीन पानी से चावल धोना चाहिए, तीन या चार पता नहीं। चावल का जो पानी होता है ना उसको बाल में लगाने से बाल पूरा स्ट्रेट हो जाता है और सुंदर लगता है। हाँ, बाल में भी पड़ता है और गमला में भी ना। अच्छा, कभी ट्राई किए नहीं है, आप लोग किए हो तो बताना जरूर। चावल तो हमारा साफ हो गया, बस हो गया ना साफ। हाँ, तो यहाँ देखिए, यहाँ चोखा के लिए ये आलू हम गुड़ लिए हैं और बाकी थोड़ा सा आलू छोड़ दिया सब्जी बनाने के लिए, है ना मम्मी? हाँ, इतना में तो हो ही जाएगा। हाँ ठीक है। यहाँ मम्मी निकाली है पुदीना का पत्ता, थोड़ा सा टमाटर, नींबू और धनिया पत्ता। और पुदीना का स्मेल बहुत अच्छा लग रहा है जो बोलो। तो क्योंकि बहुत सारा है ना इसमें, इसीलिए तो आज थोड़ा सा चटनी बना दिया जाए। तो यहाँ पे हमारा गर्मा गर्म खाना तैयार हो गया है, खाना नाश्ता जो भी बोले। और ये चटनी का लाइट कट गया। हाँ, चटनी बनाते बनाते लाइट ही कट गया, तो इसको अभी छोड़ दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। मम्मी आना। तो यहाँ देखिए, पसीना से पूरा लथपथ हो गई। जाके सबसे पहले तुम अपना फेस धो, पूरा लाल हो जाता है मेरा सुधा के पास। हाँ, तो चलो खाना खाते हैं बैठ के। तो चलिए दोस्तों, व्लॉग को यहीं तक रखते हैं, एंड करते हैं। और जो लोग भी नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और हमें सपोर्ट करिए। हाँ, तो वो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।